सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 30 अगस्त, यानी कि दिस वीक एंड दिस मंथ का लास्ट ट्रेनिंग डे था, जो कि अभी क्लोज हो चुका है। तो हम लोग आने वाले मंडे से और एक नया ट्रेनिंग वीक और एक नया मंथ से शुरुआत करेंगे, जो कि 2 तारीख से स्टार्ट होगा। सितंबर महीने का पहला ट्रेनिंग वीक होगा, ठीक है, और पहला डे भी होगा आने वाले मंडे। तो आज के मार्केट डे में हम लोग जेल इंडिया लिमिटेड को देख सकते हैं, 2.02% के तेजी के साथ मार्केट में क्लोज हुआ है। सो देखिए, अगर जेल इंडिया के आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी भी स्टॉक में अगर हम लोग निवेश करने के लिए सोचते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग इन फ्यूचर बिजनेस देखेंगे। तो भाई जेल इंडिया का बिज़नेस आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस सेक्टर है इनका। क्योंकि देखिए, अगर हम जितने भी स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं ना अपने वीडियो में, तो भाई उसका आप लोग समझ लीजिए कि उसका बिजनेस और उसका फंडामेंटल बढ़िया है। जिसका बिजनेस और जिसका फंडामेंटल बढ़िया नहीं है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। देखिए भाई, फंडामेंटल आज कैसा हो डज नॉट ए मैटर, बट बिजनेस बढ़िया होना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिजनेस फ्यूचर रिलेटेड है तो भाई आने वाले दिनों में इसका फंडामेंटल ओबियसली बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो इसका हम लोग मार्केट कैप्चर देखेंगे, तो मार्केट कैप्चर आप लोग देख सकते हैं 1.56 लाख करोड़ का मार्केट कैप्चर है, और पी रेशियो आप लोग देख सकते हैं 13.78% का पी रेशियो है, ठीक है। पी रेशियो बहुत बढ़िया, मार्केट कैप्चर भी बढ़िया, और सीडीपी स्कोर जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्कोर है, देख सकते हैं बी ग्रेड पर है, जो कि पॉजिटिव साइड में है। तो भाई स्टॉक तो बहुत ही खड़ा सोना है, स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है भाई, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, एकदम बिंदास आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब इसका एनालाइज देखते हैं। अगर लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 173% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप सबसे पहले नोट कीजिएगा, तो सीडीपी स्कोर आप बी ग्रेड देख सकते हैं, यानी कि यह बहुत लार्ज कैप कंपनी के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर जितने भी लार्ज कैप के अंदर आते हैं, तो हम लोग अपने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि लार्ज कैप में आप 200 से 300% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो भाई किस्मत की बात है। तो ये लास्ट 5 ईयर्स ने इतना परसेंट दिया है, और लास्ट वन ईयर्स में इसने लगभग पैसा डबल कर दिया अपने शेयर होल्डर का। तो और 6 मंथ में अगर देखेंगे तो भाई बहुत खराब रिटर्न नहीं है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, 29 लगभग 30% का रिटर्न दिया लास्ट 6 महीने में, भाई कोई खराबी नहीं है, बढ़िया है, धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि आपको आने वाले ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया देने वाला है। और अगर लास्ट मंथ में देखेंगे 1.22%, उसमें से आज ही के दिन आप देख सकते हैं 2% का तेजी, ठीक है। तो भाई स्टॉक तो एकदम खड़ा सुना है, आप आग बंद करके लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम लोग इसका आने वाला मार्केट है, यानी कि 2 तारीख सोमवार का सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर 2 तारीख 259 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है तो इसमें अपर सर्किट आने का संभावना है, और अगर ये 221 का जो इसका सपोर्ट लेवल होगा, अगर उसको ब्रेक करता है तो भाई इसमें फिर से एक बार मंदी आने का थोड़ा चांस है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।